हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुप्ता एडिट्स। तो गाइस, आप देख सकते हो कि आज हम कुछ इस टाइप की फोटो का एडिटिंग करने वाले, डबल टोन जिसे कहते हैं। तो गाइस, मैंने इसे कुछ दिन पहले कोई इंस्टाग्राम पे देखा था, ट्रेंडिंग में चला था। मैंने सोचा कि इस वाले फ़ोटो को कुछ ट्यूटोरियल बना दिया जाए, और इस वाले फ़ोटो को मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक में अपलोड कर रखा है। गाइस, अगर अब तक अभी मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम और फेसबुक में, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर आराम से फॉलो करना कर लेना। और गाइस हाँ, और इस फोटो में जितने भी बैकग्राउंड और पीएनजी लगाऊंगा, मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार जाकर वहाँ पर चेक कर लेना। तो गाइस, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करता हूँ, एक छोटे से इंट्रो के बाद मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इस वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद गाइस, नॉर्मली यहाँ पे हम ऐड फोटो में जाएंगे और अपनी कोई एक अच्छी सी फ़ोटो का हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, कुछ भी नॉर्मल सा फ़ोटो का हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। जैसे कि मैंने इस वाले फ़ोटो को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद कुछ हम इस तरीके से हम इसकी साइज को हम बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद गाइस, सिंपली हम यहाँ से थोड़ा, मतलब यहाँ से हम बढ़ाने के बाद यहाँ से डन कर लेंगे। डन करने के बाद गाइस, आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ये फ़ोटो जो है, हमारे रेड और ब्लू का जो यहाँ पे कलर्स है, उसके बीच में हमें अपने फ़ोटो को रखना है कि साइड साइड में हम रेड और ब्लू का कलर को लगा सके। तो यहाँ पे हम जाएंगे नॉर्मली सी ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस, यहाँ पर जाएंगे लेयर में। लेयर में जाने के बाद यहाँ पर एम्प्टी लेयर एक ले लेंगे, और एम्प्टी लेयर लेने के बाद गाइस, इस वाले लेयर को, पहले वाले लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रश चॉइस कर लेंगे। ब्रश चॉइस करने के बाद गाइस, इसके हार्डनेस को और ये फर्स्ट वाले ब्रश को पहले चॉइस करना है। मैं बहुत स्पीड में बता रहा हूँ थोड़ा आज, तो ये हार्डनेस को कम कर लेना है। कम करने के बाद इसकी ओपेसिटी को हम रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे हम 85 के आसपास इसकी ओपेसिटी को हम रख देंगे। रखने के बाद हम इसके साइज को अपने हिसाब से बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ पर हम सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसे हम तो सेट करने के बाद सिंपली से हम करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे कलर्स में और ये रेड वाला कलर को यहाँ पर चॉइस कर लेंगे यहाँ पर। और रेड वाला कलर चॉइस करने के बाद हम सिंपली से अपने फ़ोटो में साइज तो बढ़ाने के लिए साइज बढ़ा लेते हैं, और सिंपली से हम अपने फ़ोटो में साइड साइड से कुछ इस तरीके से हम ब्रश कर लेंगे, जैसे कि लगे कि ये रेड कलर हमारे फेस में कुछ इस तरीके से आ रखा हो। तो मैं आपको अब करने के बाद गाइस, सिंपली सी इसमें जो अब जो ब्लू कलर का भी है, ब्लू का भी कुछ इसी तरह से करना है। तो पहले हम रेड कलर कर लेते हैं। रेड कलर करने के बाद गाइस, करना क्या है, तो पहले बाल में थोड़े से कर लेते हैं साइड साइड से। यहाँ से करने के बाद गाइस, यहाँ पे जाएंगे और इसकी जो ओवल ओवल रख लेंगे, इसको हम इसको ओवल लेकर रख लेंगे इस वाले लेयर को, और इसकी ओपेसिटी को हम कम करते हुए ले आएंगे, और इसकी ओपेसिटी को हम रख देंगे यहाँ से 35 की ओपेसिटी हम इसकी रखेंगे हम। तो 35 रखने के बाद गाइस, करेंगे क्या, सिंपली सी फिर हम यहाँ पर जाएंगे ये एम्प्टी लेयर लेने के बाद गाइस, तो हम अपने रेड वाले कलर से ऊपर वाले लेयर को में अपना ये नीला कलर सिलेक्ट कर लेंगे हम इस तरीके से। नीला कलर को कुछ इस तरीके से हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद गाइस, सिंपली इसका भी वही होगा, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। आपको अभी नॉर्मली सा मैं तो यहाँ पर रब करके आपको दिखा रहा हूँ, आप लेकिन टाइम देकर आराम से इसे कलर करना, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको सही तरीके से बना समझाते हुए। मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ फ़ोटो की, इस तरह की फ़ोटो किस तरीके से एडिटिंग हो सके। तो कुछ इस टाइप से हम कर लेंगे अपने यहाँ पर कलर, इस तरीके से कर लेंगे। कलर करने के बाद कैसे, अब हम अपने फेस में ही थोड़ा सा कलर करेंगे। फेस में ज़्यादा कलर नहीं करना है इस, वरना फेस फिर बाद में कलर एडजस्ट करेंगे तो फेस अलग ही लगेगा। तो कुछ हम इस तरीके से साइड साइड से कर लेते हैं, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा साइड साइड से हम कर लेते हैं कुछ फेस में इस तरीके से कलर साइड साइड में कर लेंगे। करने के बाद गाइस, हम करेंगे क्या, यहाँ पर अब इसकी ओपेसिटी को हम रख देंगे, इसकी को हम देखते हैं लाइटिंग में कैसा है। लाइटिंग सही नहीं लग रही है, डार्किन भी सही नहीं लग रही है, इसकी भी रख देंगे हम ओवरले। ओवरले रखने के बाद गाइस, सिंपली से हम इसकी भी ओपेसिटी को रख देंगे हम 35। तो ये टेस्ट थोड़ा काम नहीं कर रहा शायद गाइस, यहाँ का 35 लगने के बाद गाइस, 35 लगने के बाद गाइस, आप देख सकते हो जहाँ हमारे जो कपड़े और फेस में वो एक साइड से नीला और एक साइड से रेड सा इफेक्ट सा आ गया है बाल चेहरे और कपड़ों में आने के बाद गाइस। तो इस तरीके से कलर करने के बाद यहाँ पर जाएंगे हम
एम्प्टी लेयर लेंगे। एम्प्टी लेयर लेने के बाद ये अपने नीले वाले कलर से ऊपर में उस वाले लेयर को सिलेक्ट करके अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे रेड कलर को चॉइस कर लेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे रेड कलर को। अब वैसे रेड कलर हमें मारना है अपने कपड़े के साइड साइड में, बस ये कंधे से लेकर कान तक को छोड़ देना, क्योंकि ये वाइट कलर पड़ रहा है तो यहाँ पे वाइट का लाइन बनेगा। तो गाइस हम कुछ इस तरीके से मैं आपको जल्दी जल्दी में करके दिखा दूँगा, और इसी हिसाब से मैं यहाँ पे भी ब्लू कलर का जो आउटलाइन बनाने वाला हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो ना मेरा भी। तो गाइस यहाँ पे तो सबसे पहले हम इसकी जो हार्डनेस है उसकी हार्डनेस को हम रख देंगे 90 के आसपास, और ओपेसिटी को फुल कर देंगे, और इसकी साइज को रख देंगे हम 2-3 के आसपास इसकी साइज रख देंगे। तो मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ, सेम तरीके उसमें भी होगा नीले वाले में भी। तो गाइस आप देख सकते हो जो मैंने तो अपने यहाँ से आउटलाइन भी कर दिया, ब्लू और रेड का दोनों का आउटलाइन मैंने बना दिया। बनाने के बाद गाइस करेंगे क्या, हम यहाँ पर वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। वाइट कलर सिलेक्ट करने के बाद हम अपने कान से लेकर कंधे तक अब यहाँ पे वाइट वाइट सा कर लेंगे पहले हम इस तरीके से कुछ। गाइस आप यहाँ पे बड़े ध्यान से करना, आराम से टाइम देख कर, मैं तो यूँ ही मैं कर दे रहा हूँ वीडियो के कि ज़्यादा लंबा ना हो बोल के, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ कि आप देखो आराम से टपने टाइम देकर इस तरीके से आपको करना है। तो बस यहाँ पे करने के बाद फिर करेंगे हम यहाँ पे अपने बालों पे इस तरीके से, अपने बालों पे हम कुछ कर लेंगे क्योंकि ऊपर से भी लाइट पड़ी हो, तो हम अपने बालों पर कुछ इस तरीके से कलर कर देंगे हम करने के बाद। गाइस फिर हम यहाँ पर करेंगे क्या, फिर हम लेयर में जाएंगे और इस वाले लेयर का हम इसके को रख इसके जो अमाउंट रखें हम लाइट कर देंगे। लाइटिंग करने के बाद गाइस इसको हम रख देंगे, इसकी ओपेसिटी को हम रख देंगे यहाँ पे 35, इसकी भी ओपेसिटी को हम रखेंगे यहाँ पे। रखने के बाद गाइस करेंगे क्या, सिंपली हमारा जो पिक्सआर्ट का काम था वो यहीं पर ख़त्म हो गया, लेकिन अभी पिक्सआर्ट में भी और भी काम है क्योंकि हमें यहाँ पे पेंजीज भी लगाने कुछ, तो हमें गाइस हमेशा की तरह कलर एडजस्टमेंट करने के बाद ही पेंजी लगाऊँ। तो गाइस सिंपली से मैं यहाँ पर जाऊँगा ट्री रोड में, इसे सेव करके लाइटिंग एप्लीकेशन को मैं ओपन करने वाला हूँ अभी। ऐड करने के बाद गाइस सिंपली से मैं अपनी लाइटिंग एप्लीकेशन में इसे ओपन कर लूँगा। सबसे पहले प्रोफाइल में जाके आर्टिस्टिक 3 को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। आर्टिस्टिक 3 में सिलेक्ट करने के बाद इसकी अमाउंट को रख देंगे हम 129-130 आपके फ़ोटो के हिसाब से, जैसे हम इसे डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस फिर हम इसे लाइट्स में जाएंगे। लाइट्स में जाने के बाद एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा लेंगे, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा बढ़ा लेंगे, यहाँ पर थोड़ा डार्क वाला लुक आए फोटो में। हाईलाइट को कम कर देंगे यहाँ पर, शैडो को भी थोड़ा कम कर देंगे, वाइट्स को बढ़ाएंगे हम यहाँ पर, फिर ब्लैक को भी कम कर देंगे यहाँ पर, सर कुछ ज़्यादा ही कम हो गया शायद, हाईलाइट भी। तो इस तरीके से कम करने के बाद फिर हम इसके नीचे वाले टूल्स में जाएंगे। नीचे वाले टूल्स में जाने के बाद इसकी जो ऐसे कस्टम कर लेंगे, पहले टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा लेंगे, टिंट को भी बढ़ा लेंगे, वाइब्रेंस को भी थोड़ा बढ़ा के सैचुरेशन को हम यहाँ पर कम कर देंगे। फिर इसके मिक्स वाले टूल्स में जाएंगे। अब जो रेड कलर है इसकी जो सैचुरेशन को हम थोड़ा सा पहले ल्यूमिनेंस को कुछ इस तरीके से बढ़ा लेंगे लाइटिंग से, फिर बाद में सैचुरेशन को भी कुछ इस तरीके से बढ़ा लेंगे। अब इस साइड में ब्लू है तो ब्लू कलर को चॉइस कर लेंगे, इसकी लूमिनेस को हम इस तरीके से बढ़ाएंगे और सैचुरेशन को भी बढ़ाएंगे, लेकिन इसकी जो ह्यू को थोड़ा सा हम कुछ इस तरीके से माइनस से रखेंगे। माइनस रखने के बाद सिंपली से करेंगे क्या, अपना फेस कलर जो ऑरेंज कलर है इसको इसकी लूमिनेस को बढ़ाकर इसकी ह्यू को थोड़ा सा कम कर देंगे। कम करने के बाद यहाँ से जो डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस सिंपली इसके नीचे वाले टूल्स में जाएंगे, इसके टेक्सचर को थोड़ा बढ़ा लेंगे यहाँ पर, फिर बाद में विग्नेट को भी कम कर देंगे यहाँ पर और क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। विग्नेट कम करने के बाद गाइस
अब इसमें करेंगे क्या, मिड पॉइंट को कम कर लेंगे और फेदर को कुछ इस तरीके से बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद देखते हैं कि इसमें तो कुछ ज़्यादा ही लाइट से थोड़ा लग रहा है, तो लाइट्स को थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। फिर उसके बाद में हम इसके नेचुरल टूल्स में जाएंगे, साथ में कुछ इस तरीके से बढ़ा लेंगे, कुछ हल्का ही बढ़ाना है। फिर डिटेल को भी थोड़ा कम बढ़ाएंगे, नॉइस रिडक्शन को भी बढ़ाएंगे क्योंकि डिटेल इसमें ज़्यादा ही लग रही है, तो डिटेल को आज कुछ नहीं कहेंगे करेंगे। फिर कलर नॉइस रिडक्शन को बढ़ा देंगे, फिर इसमें से यहाँ का डिटेल को फुल करके फिर स्मूथनेस को थोड़ा कम कर लेंगे। कम करने के बाद गाइस सिंपली से मैं इस वाले टूल्स में जाऊँ, सिलेक्टिव टूल्स में, तो गाइस ये मोलेट वर्जन है, तो मेरे में ये सिलेक्टिव टूल ओपन है। अगर आप पे नहीं है तो आपको मैं अपने लिंक से दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो इसकी ऑप्शन एक्सप्लोरर कम कर लें कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ से हम डन कर दें। तो वैसे आप देख सकते हो कि हमारा जो फोटो था वो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में कुछ इस तरीके से था, ये हो जा बिफोर आफ्टर कुछ इस तरीके से था, अब इस तरीके से। वैसे यहाँ पर भी कुछ हम पेंजे भी लगाने वाले हैं, तो वैसे सिंपली से हम यहाँ पर एड फोटो में जाएंगे और इसे हम पिक्सआर्ट शहर में जाके हम इसे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन करने वाले हैं अभी हम। अब लास्ट काम वो बच गया, अब यहाँ पर जाएंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन जाने के बाद गाइस देख सकते हो कि आप उसकी मैं इस वाले फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ। ऐड करने के बाद गाइस सिंपली से ऐड फोटो में जाएंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर करेंगे स्मोक पीएनजी का यहाँ पर फोटो ऐड कर लेंगे पहले हम, तो इस दो फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं हम पहले। ऐड करने के बाद गाइस इसके जो साइज को बढ़ाने के बाद इसको हम रख देंगे, साइज को कुछ इस तरीके से पहले बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद गाइस इससे सिंपली हम करेंगे ब्लेंड टू स्क्रीन इस तरीके से। करने के बाद गाइस अब हम इस वाले कलर को भी इस तरीके से बढ़ा लेंगे हम। बढ़ाने के बाद गाइस इसको हम रखेंगे, अब इसको सबसे पहले तो एडजस्ट में जाकर इसका जो ह्यू है ह्यू को पहले चेंज कर लेंगे, रेड करेंगे हम पहले इस तरीके से। रेड करने के बाद यहाँ से डन कर देंगे। अब इसके भी हम करेंगे ब्लेंड को स्क्रीन। तो गाइस आप देख सकते हो जैसे कि मैंने इस दोनों को लगाया तो फोटो में कुछ अलग ही दिख रहा है। तो गाइस आप ये देखो बिफोर अब आफ्टर, आप देख सकते हो फोटो में कुछ अलग से मतलब जान से ऐसा आ गया गाइस, आप देख सकते हो। तो गाइस अब हम इसमें नॉर्मल से काम करेंगे, अपना एक पीएनजी लगाएंगे जिससे ये तो पता चले कि हाँ भाई इस फोटो को भी किया है गुप्ता भाई ने एडिटिंग। तो यहाँ पर जाकर सिंपली इसे मैं यहाँ पर अपना फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लूँगा, इस वाले को फोटो नहीं ये लोगो है मेरा गुप्ता एडिट का यहाँ पर डन। तो गाइस आप देख सकते हो ये हमारा फ़ोटो जो कितनी धाकड़ तरीके से एडिटिंग हो गई है। गाइस इस वाले फ़ोटो ट्रेंडिंग में भी चल रही है इंस्टाग्राम पर, तो आप भी कुछ इस तरीके से एडिटिंग करके अपने सोशल मीडिया में फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हो। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वैसे लाइक ज़रूर करना, अगर आप चैनल में नए हो तब तो अभी तक क्या कर रहे हो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ओपन कर दो। तो वैसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ख्याल।